Hey there, you're listening to The Quint. कैसे हैं आप? आज से उर्दूनामा के हर एपिसोड में हफ्ते के आखिर में यही पूछूंगी आपसे कि आसपास का माहौल देखकर, खबरें पढ़कर, इंसान की बेबसी की अजीब और गरीब दास्तान सुनकर आपके दिलो दिमाग पर कैसे बीत रही है। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, इस पॉडकास्ट में आपको जबरदस्ती की पॉजिटिव लाइफ के बारे में, पॉजिटिव सोच के बारे में ऐसा कोई फालतू ज्ञान नहीं बांटने वाली, बल्कि मौजूदा हालात की रोशनी में अपनी मेंटल हेल्थ पर किस तरह काम करें उसके बारे में बात करेंगे। बल्कि इस पॉडकास्ट में मैं आपको और एक्चुअली खुद को भी यही यकीन दिलाने की कोशिश करना चाह रही हूं कि अगर जिंदगी का अनसर्टन होना आपको सोने नहीं दे रहा है तो ये इस बात का सबूत है दैट वी आर अलाइव, और ख्वाहिशात हसरतें हमें जिंदा होने का एहसास दिलाती हैं। आज उर्दूनामा में इसी एहसास को समझने की कोशिश करेंगे। द क्विंट और क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूं फबीहा सैयद। ख्वाहिश का मतलब होता है डिजायर, और हसरत वो ख्वाहिश होती है जो पूरी ना हो पाए, जो एक टीस बनकर दिल में रह जाए, दिल में चुपती रहे। इसे बिल्कुल इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि एक खूबसूरत माजी को यानी बीते हुए कल को याद करके दिल की जो कैफियत होती है, बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जब आप अपनी हसरतों के बारे में सोचते हैं, यानी खुशी के साथ साथ, सुकून के साथ साथ थोड़ा दर्द भी मिला हुआ होता है। परवीन शाकिर का एक शेर भी तो है ना इस पर, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। और क्योंकि जिंदा हैं इसलिए मलाल भी होगा, दर्द भी होगा, घबराहट भी होगी, हजार डाउट्स दिल में आएंगे, मायूसी भी होगी। अब इस वबा के आलम में जिंदगी को गिफ्ट के तौर पर किस तरह इस्तेमाल करें, यानी ऐसा वक्त जब मुल्क में इंसान को जीते जी दवा नहीं मिल रही और मरने के बाद जगह नहीं मिल रही, ऐसे में जिंदगी को सोच समझ के कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है कि जिंदगी बहुत ही अनसर्टेन है, कि जब कंट्रोल में आपके कुछ होता नहीं है तो फिर आप वही करिए जो आपके कंट्रोल में है, और वो है ख्वाब देखना। जब हर चीज का चांस 50-50 है तो पॉजिटिव वाला 50 क्यों ना खेलें। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप उर्दूनामा को फॉलो कर सकते हैं गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी।